ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप खबरें देखते हैं 9वीं P20 से जुड़ी हुई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का उद्घाटन करेंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता का विषय के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद है। सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे। पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार भारत में P20 कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस P20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले विषयगत सत्र निम्नलिखित 4 विषयों पर केंद्रित होंगे। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, SDG में तेजी और सतत ऊर्जा बदलाव। इन सत्रों में G20 सदस्यों और अतिथि देशों को साथ लाकर संसद किस प्रकार P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है, इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श होगा। और P20 से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। P20 का आज उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि वसुधैव कुटुंबकम की ही थीम है, लेकिन संसद को साथ में जोड़ा गया है, तो जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसमें संसद किस तरीके की भागीदारी कर सकता है, किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और क्या जिस तरीके से G20 की सफलता हमने देखी है, क्या P20 पे भी एक आम राय नज़र आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो 2 दिवसीय ये P20 सम्मेलन है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही औपचारिक तौर पर ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। 4 सत्र रखे गए हैं, आपने चर्चा भी की, जिसमें उन 4 सत्रों में अलग अलग विषयों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। हम जानते हैं कि G20 की ऐतिहासिक सफलता दुनिया भर ने देखी और किस तरह से एक जब सहमति बनी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, और ये कहा गया कि अब तक के सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से ऐलान हुए और सहमति बनी और भारत को एक बहुत उसमें भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब P20 हो रहा है, जिसमें G20 देशों के संसदों के अध्यक्ष वो हिस्सा ले रहे हैं, पीठासीन अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं, आमंत्रित देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, संसदों के अध्यक्ष हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस पर विचार विमर्श होगा। और 4 जो विषय रखे गए वो दरअसल दुनिया कैसे बेहतर हो, कैसे हम हरित विकास की ओर आगे बढ़े, कैसे वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। हम जानते हैं कि दुनिया को भारत ने दिखाया है कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है तमाम क्षेत्रों में, और महिलाओं की अगुवाई में विकास की बात जब भारत कर रहा है, तमाम हम मोदी सरकार की योजनाओं को देख रहे हैं कि वो महिला केंद्रित हैं। हाल ही में ऐतिहासिक जब बिल पारित हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, महिला आरक्षण लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में देने का जो बिल वो पारित हुआ, कानून बना, तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम पहल हुए हैं जिससे हम देख रहे हैं कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारी आधी आबादी को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिले और उनकी अगुवाई में विकास हो, उस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। तो ऐसे विषयों पर चर्चा रखी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को जनता के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, जनता कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, चूंकि भारत ने दिखाया है, भीम ऐप हो या तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, हम देख रहे हैं कि कैसे लेन देन हो रहा है, डिजिटल लेन देन में हम दुनिया के सामने अग्रणी है, उस पर भी एक चर्चा होनी है जिससे पूरी दुनिया उसका फायदा उठा पाए। तो ऐसे विषयों पर चर्चा रखी गई और सतत विकास लक्ष्य के तो जो बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन जिस तरह से चर्चा होनी है, बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आखिरी में एक घोषणा पत्र आएगा, घोषणा आएगी, यानी इसमें तमाम बिंदुओं पर जो चर्चा हुई है उसके बाद जो सहमति बनी है उसका जिक्र होगा, तो निश्चित तौर पर उसका इंतजार होगा कल जब समापन से पहले वो घोषणा होगी। बिल्कुल, और शैलेंद्र जिस तरह से पर्यावरण को लेकर भी एक अहम मुद्दा है, ये बिल्कुल पर्यावरण को लेकर भी अहम चर्चा इस P20 समिट में हो सकती है। लाइफ, एनवायरनमेंट फॉर लाइफ, ये जो मुद्दा है वो काफ़ी दिल के करीब रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पर्यावरण को लेकर जो अपनी मुहिम है, जो उनकी पहल है, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होती नजर आएगी। हमने देखा किस तरह से ओम बिड़ला कल मेट्रो में सवारी कर वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस बात को भी प्रमुखता से उठाया कि कैसे तमाम लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं अगर हम पर्यावरण की संरक्षण की अगर बात करें, और वो मुद्दा यहाँ पर एक बार फिर वैश्विक मंच पर नजर आएगा। निश्चित तौर पर हमने देखा कि औपचारिक
शुरुआत से पहले कल ही जो सत्र रखा गया उसमें जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो ये दिखाता है कि पर्यावरण को लेकर जो प्रतिबद्धता है G20 देशों की, दुनिया भर की, वो किस तरह से उस पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। और जब हम सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा आता है और हरित विकास पर भी चर्चा है। तो ये दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी देश मिलकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और भारत ने वो रास्ता दिखाया है। हम रिन्यूएबल एनर्जी में, सौर ऊर्जा में, विंड एनर्जी में कितना आगे बढ़े हैं जिससे कि दुनिया को ज़्यादा हरा भरा बनाया जा सके, दुनिया में हरित विकास की तरफ आगे बढ़ा जा सके, उस पर हमने देखा है कि भारत ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। और सौर ऊर्जा में जो हमारा टारगेट है हम उससे आगे चल रहे हैं। तो दिखाता है कि हम सतत विकास के जो लक्ष्य है हरित विकास के उस पर किस तरह से गंभीर है और दुनिया को दिखा रहे हैं कि जब भारत कर सकता है तो तमाम जो विकासशील देश है या विकसित देश है वो उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कल इसीलिए एक सत्र रखा गया था ठीक औपचारिक शुरुआत से पहले। जी बिल्कुल, तो G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए।